आप हमारे वीडियो को पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखिए तो बहुत ही मज़ा आएगा। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी को जरूर दबा ले, ताकि हायाघाट बाढ़ का स्थिति जानने के लिए आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। पुल के नीचे जो है एक सैंबल लगा हुआ है, जो पानी का जो है मीटर होता है किस तरह कैसे बढ़ता है, तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। तो हमारे चैनल पर आप बने रहें और देखते रहिए पूरा वीडियो। आइए आपको दिखा रहे हैं कि 50 फीट ऊंचाई से जो हायाघाट के युवाओं किस तरह छलांग लगा रहे हैं और अपनी जान को हथेली पर रख कर पानी में कूद रहे हैं। तो देखिए किस तरह नदी के पार होके तैर रहे हैं, और आपको मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, सीधा लाइव दिखा रहा हूँ। तो हमारे वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिए। और ये कटही पुल का जो लैब है, सीधे ऊपर से छलांग लगा रहे हैं पानी में। तो देखिए किस तरह पानी में तैर रहे हैं हायाघाट के युवा, अपनी जान को हथेली पर रख के बाढ़ के पानी में जो है छलांग लगाते हुए पुल्ला के नीचे से होते हुए तैर रहे हैं। कम से कम यहाँ 5-6-7 युवा जो अपनी जान को दांव लगा रहे हैं और बाढ़ के पानी में 50 फीट ऊपर बागमती पुल के ऊपर से छलांग लगा रहे हैं। तो आपको दिखा रहे हैं लैब, देखिए कितने आदमी इनको देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और मेले की तरह देख रहे हैं कि किस तरह युवा जो है रोकने के लिए किसी का भी नज़र इस पुल के पास नहीं पड़ रहे हैं, इस युवा पर नहीं पड़ रहे हैं, और ये जान को हथेली पर रखते हुए पानी में छलांग लगा रहे हैं करीब 50 फीट ऊंचाई पर। और देखिए किस तरह कटही पुल का गार्डर पकड़ के जो है तेज धार में अपना आनंद ले रहे हैं, और ये कभी भी बड़ा से बड़ा घटना इनके साथ हो भी सकता है। तो आपको सीधे दिखा रहे हैं वीडियो और देखिए किस तरह छलांग लगा रहे हैं, बहुत ही रोचक के साथ छलांग लगा रहे हैं। और इन्हें देखने के लिए सैकड़ों ग्रामीण, सैकड़ों युवाओं इनका जो है देख देख के आनंद ले रहे हैं, और आनंद लेने के चक्कर में कभी भी भयानक घटना हो सकता है। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए नए अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और दोस्तों के साथ ज़रूर वादा है कि आपको हायाघाट बाढ़ का पूरा अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में घंटी को जरूर दबा ले। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि नए नए और नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें।